वेलकम टू माय चैनल सत्यम आईडी लर्निंग पर। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मत्स्य आसन पर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो एक भी पॉइंट मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मत्स्य आसन पर है, मैं उसके लाभ, हानि और वृद्धि बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं, धीरे धीरे पीछे झुकें और पूरी तरह पीठ पर लेट जाएं। बाएं पांव को दाएं हाथ से पकड़ें और दाएं पांव को बाएं हाथ से पकड़ें। कोहनियों को जमीन पर टिका रहने दें। घुटने जमीन से सटे होने चाहिए। अब सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर लेकर आएं। या हाथ की सहायता से भी आप अपने सिर को पीछे गर्दन की ओर कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस अवस्था को अपने हिसाब से मेंटेन करें। फिर लंबा सांस छोड़ते हुए अपने आरंभिक अवस्था में आएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 चक्र करें। मत्स्य आसन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और कंधों गर्दन की मांसपेशियों से टेंशन को मुक्त करता है। यह सांस लेने के सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। सांस की समस्याओं को दूर करने के लिए यह बेस्ट है। इसके अभ्यास से पिट्यूटरी, पैराथायराइड और पाइनियल ग्लैंड्स भी टोन हो जाते हैं। ये पीठ को स्ट्रेच करता है। इससे पीठ और कमर में दर्द की समस्या से राहत देता है। यह आसन आपके पाचन स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत दिलाने में भी सहायक है। मासिक धर्म के ऐंठन को भी कम करने में सहायक है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर या अनिद्रा से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। झुकते समय अपनी पीठ पर अत्यधिक तनाव ना डालें, क्योंकि इससे गंभीर चोट लग सकती है। फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।